हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की देखो स्टूडेंट्स अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग को करनी है उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है और इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो वैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन करने में ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रोसेस है बहुत सारी चीज़ें करनी है उनमें से पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है जो चीजें है क्रॉप प्रोडक्शन की वो ये है कि बेसिक प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि देर आर समिंग्स लाइक प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना है उसके बाद में सोइंग होता है उसके बाद में एडिशन ऑफ मैन्यर फर्टिलाइजर होता है उसके बाद में इरीगेशन होता है फिर क्रॉप्स को साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है वीड से और फिर होता है हार्वेस्टिंग और जब ग्रेन्स हम लोगों अगर क्रॉप ग्रेन्स अगर है तो वो अगर मिलते हैं तो उसका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स सबसे पहला यहाँ पे प्रोसेस आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप क्रॉप को ग्रो करने से पहले वाला स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न ऑफ दू लूज इट यानी करना पड़ता है इसका मतलब क्या है यू कैन फाइंड आउट ऑन द स्क्रीन सपोज ये एक लेयर है सॉइल का ये पर्टिकुलर यहाँ पे पहले वाला क्रॉप्स हम लोगों ने ले चुके हैं तो क्या हुआ यहाँ पे जो भी आ, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सेकेंड लेयर है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलेंगे बिकॉज ये जो ऊपर वाला लेयर है यहाँ के न्यूट्रिएंट्स तो यूज अप हो चुके हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा टर्न अप करना पड़ेगा टर्निंग अप ऑफ द सॉइल उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा थोड़ा सा राइट right? उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा और जैसे ही हम उसको उल्टा पुल्टा करते हैं वी कैन फाइंड आउट न्यूट्रिएंट्स टर्न अप हो जाते हैं साथ साथ और एक चीज़ होती है यहाँ पे लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी सॉइल लूज हो जाती है और हम लोग देख पाएंगे कि इसके वजह से क्या होगा इसकी वजह से रूट्स का पेनेट्रेशन जो है रूट्स पेनेट्रेट कर पाएंगे दे कैन गो डीप इन टू द सॉइल एंड द सॉइल विच इज लूज इट विल विल्सो हेल्प आउट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड द अर्थ फॉर्म्स सो दीज ऑर्गेनिजम्स वी ऑल नो दैट दे आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स एंड दे फर्दर हेल्प आउट बाई एडिंग द ह्यूमस इन टू दैट पर्टिकुलर सॉइल तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए कुछ एक प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो है प्लॉइंग या तो टिलिंग तो एग्जैक्टली क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल किस चीज से किया जाता है देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग प्लॉ बोलते हैं ओके एंड दिस इज द पर्टिकुलर टूल विच इज यूज हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर्स ओके पर्टिकुलरली बिफोर सोइंग द क्रॉप्स दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दे आर डन Uh, देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है प्लॉ का यूज किया जाता है प्लॉ एग्जैक्टली exactly बना कैसे है प्लॉ बना हुआ है वुड और आयरन से एंड इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई तो पहले तो वाटरिंग किया जाता है या तो कभी कभी तो बारिश के राह देखी जाती है और उसके बाद में फिर प्लॉइंग किया जाता है द प्लॉट फील्ड मे हैव बिग पीसेस कॉल्ड एज क्रम्स तो प्लॉइंग अगर होने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि हमारी जो भी सॉइल है वहाँ पे बड़े बड़े सॉइल के लम्ब्स हम लोग देख पाएंगे बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिसको बोला जाता है क्रम्स जिसको बोला जाता है क्रम्स और ये जो क्रम्स हैं इनको ब्रेक डाउन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो प्लैंक का यूज करके उसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो बेसिकली देखो स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना है तो क्या करना पड़ेगा सॉइल को लूज करना पड़ेगा उसके लिए प्रोसेस है प्लॉइंग और टिलिंग करना किस चीज़ से है प्लॉ से करना है प्लॉ बना हुआ है आयरन से वुड से नाउ वट इज आर यूजिंग ट्रैक्टर्स तो जो हम लोग बोल रहे हैं प्लॉ यूज किया जाता है वो क्या है एक तरह का ऐसा टूल है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है एंड एज इट इज बींग यूज इन द एग्रीकल्चर सच काइंड ऑफ टूल्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स तो अलग अलग चीजें यूज की जाती है देखो बिफोर सोइंग ऑफ द सीड्स वी कैन फाइंड आउट इट इज ने टू ब्रेक द सॉइल

यूज करते हैं एंड दिस प्लॉ फॉर टीलिंग एंड इवन फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल ये चीज यूज किया जाता है यू माइट हैव फाउंड आउट श्री कृष्णाज एल्डर ब्रदर आई थिंक लॉर्ड बलराम ही हैड दैट प्लॉ जिसको हम लोग जिसको हम लोग आ, हिंदी में हल बोलते हैं तो आ, ये प्लॉ है बना किस चीज से है हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly प्लॉ बना किस चीज से होता है तो हम लोग आ, देखेंगे आई विल जस्ट जूम इट आई होप ये भी दिखाई दे रहा होगा तो आ, क्या किया जाता है देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाँ सो वी कैन फाइंड आउट स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एक बीम है लॉन्ग का लॉन्ग एक वुड का जो पार्ट हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग वुड है उसको बोला जाता है प्लॉशाफ्ट और उसको एक हैंडल रखा जाता है यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हो कि जो बुलक्स के बॉडी पे रखा जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ बुल दैट कैन बी टेकन इसको बोला जाता है प्लॉशाफ्ट और फिर आता है एक आयरन का पार्ट जिसको बोला जाता है प्लॉशर तो ये प्लॉशर क्या है प्लॉशर एक ऐसा पार्ट है जो जमीन के अंदर जाएगा और जमीन को डिग करेगा तो इस तरह से प्लॉइंग प्रोसेस होता है साथ साथ कुछ और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हम लोग देखते हैं इसको बोला जाता है हो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड इट हैज द लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन

द यूज ऑफ कल्टिवेटर इट्स सेव्स द लेबर एंड टाइम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से प्लॉइंग किया जाता है कल्टिवेटर का यूज करके तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टूल्स लाइक प्लॉ लाइक कल्टिवेटर लाइक हो दे आर यूज एंड वी कैन फाइंड आउट दैट बाई यूजिंग दिस वी कैन प्रिपेयर अवर सॉइल तो हम लोग